अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू। मैंने ग्लैम गर्ल बाय मेविश साकिब के बहुत प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब ब्यूटीफाई पे आमना के प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू कर लेना चाहिए। ये PR पैकेज नहीं है, मैंने सब कुछ खुद ऑर्डर किया है। बेसिकली हुआ ये था कि इधर इसके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से, और सेल्स वैसे लगती रहती हैं, और यही हुआ था कि मैंने सेल से भरपूर फ़ायदा उठाया। यानी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे तो कर लेंगे, कि 70% ऑफ था, फ्लैट अप टू नहीं फ्लैट। तो यानी कि अगर फाउंडेशन 3000 की थी तो मुझे 900 में पड़ी है, तो इससे बड़ी सेल क्या हो सकती है। तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और रिव्यू आहिस्ता आहिस्ता करके हर प्रोडक्ट का आएगा। मैं एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप सारे वीडियोस देख लेंगे, नहीं होंगे तो फिर नहीं देखेंगे। तो मैंने जो मंगवाया है, प्राइमर मंगवाया है इसका, और मैंने मैट लिपस्टिक्स मंगवाई हैं, और जो है साथ मैंने मस्कारा मंगवाया है और फाउंडेशन भी मंगवाई है, ठीक है। लेकिन वो इस डब्बे में नहीं है, वो मेरे पास ज़्यादा से थी। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी देखने के लिए कि कैसा रिज़ल्ट है इसका, और बाकी फेस वॉश वगैरह भी मंगवाया हुआ है, तो उन सब का भी आपको मैं रिव्यू दिखाऊंगी, लेकिन एक वीडियो में नहीं दिखा सकती, वो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको सिर्फ ये दिखाऊँगी जो मैंने मंगवाई हैं लिपस्टिक्स, इनकी मैट लिपस्टिक्स, तो आज के जो वीडियो में वो होंगी। तो मैंने दो मंगवाई हैं, इनके शेड रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगी, 12 होंगी। मैंने वॉर्न नहीं किया कितनी थी उस वक्त, बस मेरा था मैं ऑर्डर कर दूं, तो जो मुझे बेसिक शेड्स चाहिए थे तो वो मैंने ऑर्डर किए। अगर आपने मेरी लिपस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता ही है मेरे पास ज़्यादातर डार्क लिपस्टिक्स होती हैं पिंक शेड में, तो मैं चाहती थी मैं कोई लाइट पिंक सा शेड मंगवाऊँ। तो मैंने उनके शेड कार्ड में से जो मुझे लाइट सा लगा मैंने वो ऑर्डर कर दिया। बाकी मैं आगे जाकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से शेड मंगवाए हैं। पैकेजिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है गोल्डन सी, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ऑल डे लॉन्ग, जो कि वाकई है, और ये वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी है। लिक्विड लिपस्टिक मैं कब से लेना चाह रही थी, लेकिन मैं लेस ले नहीं पा रही थी क्योंकि लोकल लो तो फ़ायदा कोई नहीं है, और ब्रांड की तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं रिदा जैन की परचेज़ करूँ, ब्यूटीफाई पर आमना ने तो अभी रिसेंट लॉन्च की है, या मैं एसटी लंदन की लूँ, तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि कौन सी परचेज़ करूँ। तो फाइनली मुझे ये नज़र आ गई और मैंने ऑर्डर कर दी। अब आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कैसी लगती है, इसकी पैकेजिंग कैसी है अंदर से भी। वैसे ना इनके सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मस्कारा हो या कुछ भी हो, कार्डबोर्ड के अंदर कार्डबोर्ड वाली पैकिंग भी अच्छी है और उसके अंदर वाली पैकिंग भी अच्छी है। तो एक मैंने मंगवाया है शेड पीनट जो कि 4 है, और एक मैंने मंगवाया 02 रश, जो रश है वो पिंक में आता है, और जो पीनट है वो आपको पता लग ही गया होगा कि वो एक रेस्ट सा कलर है, ब्राउन सा पीच सा, और मैं कब से ये वाला कलर लेना चाह रही थी और फाइनली मुझे ये वाला मिल गया। वहाँ तो शेड कार्ड में जो था ना वैसे तो डिफरेंट सा था, मैंने वहाँ तो ऑरेंज लग रहा था, लेकिन जब मेरे पास आया तो वो एग्जैक्ट वही था, रेस्ट सा कलर जो मैं चाहती थी, ठीक है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये जो है ना पिंक सा कलर है, टी पिंक सा कलर कह सकते हैं आप इसको, पता नहीं इसका नाम रश क्यों है, लेकिन ये पिंक सा कलर है, और जिस तरह का कलर आपको नज़र आ रहा है अप्लाई करने के बाद ये ऐसा नहीं रहता, थोड़ा डार्क हो जाता है। वो आगे जाके मैं आपको स्वॉचेस दिखाऊँगी तो आप वहाँ देख सकते हैं। पैकेजिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, फ्रोजन ग्लास पैकेजिंग है, और इसकी बाकी दूसरा शेड भी दिखा रही हूँ आपको। ये है ये पीनट सा जो कलर है, ये उन्होंने पीनट बताया था, ये है रेस्ट सा कलर, मुझे एक ब्राउन चाहिए था, पीच सा चाहिए था, वो जिस तरह का मुझे चाहिए था ना कलर ये उसी तरह का ही है, और जी दूसरा पिंक है। और अच्छा, इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं 5 डेज से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने अभी इसको परचेज़ किया और साथ ही मैंने वीडियो बना लिया, मेरा था मैं चेक करूं पहले कि अच्छी है कि नहीं है। आप इसका स्वॉच भी देख सकते हैं, वो मैं आकर दिखा रही हूं आपको। इसका ना मुझे फॉर्मूला इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, एक तो सर्दियां हैं ऊपर से वैसे ही ड्राई लिप्स हो जाते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद ड्राई लिप्स नहीं हुए, वरना मेरे पास और भी कंपनी की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, लेकिन क्या होता था वो इतने ज़्यादा वो
lips jo hai na dry ho jate the, phir uske upar vaseline lagao, lip balm lagao aur phir bhi nahi sahi hote the, to main to pareshan ho jati thi. Mujhe bahut pasand hai matte jo lipsticks hoti hain. Iski achhi baat ye hai ki iske baad koi aapke dry lips nahi honge. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इसका मुझे प्लस पॉइंट लगा है. प्लस इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है, वन स्वाइप में आपको फुल कलर मिल जाता है. और ये देखें कि कितना अच्छा शेड है. हाथ पे लगाने में और लिप्स पे लगाने में बहुत फ़र्क होता है. हाथ पे आप लगाते हैं सूखने में भी टाइम लेगा और स्वाच का कलर भी डिफरेंट आएगा और ये हाथ से उतरता भी मुश्किल से है. लेकिन ऐसी बात लिप्स पे नहीं, आप लगाते हैं स्टे करता है ऑल डे लॉन्ग. अगर इसका नेम है तो वाकई ये फुलफ़िल करता है, उतरता नहीं है. लेकिन अगर आप ऑयली चीज़ खा रहे हैं तो ये पेंट नहीं है परमानेंट, जो ये फिक्स हो जाएगा, हल्का फुल्का उतर जाता है, आप वापस लगा लो हल्का सा. मुझे ये बहुत पसंद आया है और केकी लुक नहीं देता, क्रैक्स नहीं बनते और सबसे अच्छी बात आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ. ये इतना लाइट वेट है. तो ये मैं आपको दूसरा शेड दिखा रही हूँ, ये पिंक सा जो कलर है. और जी एप्लीकेटर जो है वो भी इसका ना थोड़ा डिफरेंस है और अच्छा है, बहुत इजी टू यूज़ है. ये देखें दूसरा कलर, मैं लाइट पिंक में ही चाह रही थी कि मैं लूँ. तो ये जी दूसरा शेड है इसका. आप किसी यूट्यूब पे वीडियो देख कर ही इसको परचेज़ करें, वरना शेड का आइडिया आपको वहाँ के शेड कार्ड से बिल्कुल भी नहीं होगा. तो जी ये दोनों शेड्स हैं, आई होप आपको अच्छे लगे हों. तो जी ये दोनों शेड थे, अभी मैंने सिर्फ दो ही मंगवाए हैं. मेरा था मैं चेक कर लूँ मुझे पसंद आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए हैं और मैं इनको मार्क्स दूँगी 10 में से ऑब्वियसली 10 दूँगी मैं. मुझे बहुत पसंद आए हैं लिक्विड लिपस्टिक्स में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आए कि नहीं आए. बाकी एक्सपायरी, इसके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ बैक पे मेंशन है. एक और बात मैं बताना चाहूँगी, इसको लगाते हुए हल्की सी जो इसकी खुशबू है वो थोड़ी सी अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी सी तेज़ कह सकते हैं, हल्की सी, जो कि लगाने के बाद ख़त्म हो जाती है. तो ये बस पॉइंट है, वो भी मैं कहूँगी 1-2% सिर्फ आती है. और बाकी ये आप ले सकते हैं, डेफिनेटली रिकमेंडेड है. अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. आप सब ने अपना ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़.